सो हेलो गाइस, हग दिया। सो हेलो गाइस, पहली वाली बात को भूल जाओ। तो आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो हम सबका सपना था, एक मतलब एक लेजेंडरी मैच देखने का, पोर्चुगल वर्सेस अर्जेंटीना, जहाँ पे दो लेजेंडरी प्लेयर, गोट्स प्लेयर, रोनाल्डो और मेसी आमने सामने होते, जो हमारा सबका सपना था कि उन सबको सामने देखे और मतलब एक फाइनल देखना चाहते थे, एक लेजेंडरी फाइनल। वो हम सबका टूट चुका है क्योंकि पोर्चुगल मोरक्को से हार चुकी है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब इस बार के 2022 वर्ल्ड कप मैच में क्या हो रहा है, जिंदगी बदल दे भाई। मारो मुझे हार जा रही है पोर्चुगल साउथ कोरिया और मोरक्को से, ब्राजील क्रोटिया से, और स्पेन तो क्वालिफाई नहीं हुई। क्या हो गया स्पेन को? तो आज के हम इस मैच में बात करने जा रहे हैं कि ये हम पोर्चुगल मोरक्को से हारी क्यों और रोनाल्डो को क्यों बेंच किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक बात बोल दूं कि पोर्चुगल जब मोरक्को से हारी, मोरक्को खुद शॉक में थी, ये हमने एक प्राइम टीम को हराया कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं कि हुआ कैसे ये। पोर्चुगल मैनेजमेंट ने स्विट्जरलैंड के मैच में रोनाल्डो को बेंच करने का सोचा और रोनाल्डो की जगह पर रामोस को खिलाने का सोचा, और उस मैच में रामोस मार दिया हैट्रिक और पोर्तुगाल जीती 6-0 से। तो पोर्तुगाल टीम मैनेजर यानी ज्ञानी बाबा, आप कहाँ के ज्ञानी बाबा, मोरक्को के अगेंस्ट वही किया, मगर उसे ये नहीं पता था कि रोनाल्डो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है और एक बिग मैच प्लेयर भी। भले ही रामोस को बाद में सब्स्टिट्यूट किया गया और रोनाल्डो आया, बट तब तक बहुत देर हो। मैच कहाँ हारे, कहाँ जो फेलिक्स ने क्या गोल मारा था, मगर वो गोलकीपर भाई लिटरली सुपरमैन, क्या ही तो उसने सेव किया। और तो और जब आउटसाइड से ब्रोनो ने किक मारा, तब रोनाल्डो का हेडर भी लगने वाला था, बट ही मिस्ड इट। तो गाइज अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की। और वैसे भी अभी तो वर्ल्ड कप में 3 ही टीम बची हैं, और हाँ गाइज मैं ये वीडियो बहुत लेट बना रहा हूँ। हाँ तो आते हैं प्रेडिक्शन पे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि क्रोटिया अर्जेंटीना से हार चुकी है और मेसी ने नेमार का बदला ले लिया, हमें खेलते हुए नहीं दिखेंगे, जैसे कि रोनाल्डो, नेमार, रामोस, दानी एल्व्स, तियागो सिल्वा, लुका मॉड्रिक, सोरेज और केवानी। मगर अभी भी एक गोट खड़ा है, टिका हुआ है मजबूती से, चट्टान की तरह, तूफान की तरह, मेसी। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सो थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और हाँ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अब से ऐसी आवाज वाली वीडियो आती, और हाँ मजे करते रहो भाई।